हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में, वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी दो फॉर्मों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तपका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। भी हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम MSP लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे। ये हमारा कसूर था। जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे, वहाँ पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण जी का क्या कसूर था। हम 15 को शहीद शुभकर्ण सिंह जी के गांव बल्लो में, वहां से 21 कलश लेकर अपने बॉर्डरों पे लेकर आएंगे। सभी दो फॉर्मों के बड़े लीडर वहां जाएंगे। अलग अलग राज्यों के जो हमारे यूनियन के बड़े लीडर्स आएंगे, वो अपने अपने राज्यों का कलश लेकर आगे बढ़ेंगे। हम लोग ये हरियाणा के गांव-गांव में ये कलश यात्रा करेंगे। तो पहली जो 22 को शहीदी समागम की रैली होगी, वो इधर एक करेंगे, उसके बाद हिसार में, दूसरी इधर अंबाला साइड में, पूरे एरिया में आपको कौन कौन जिलों में जाएगी ये भी बता देंगे। उसके बाद हम लोग अंबाला मौड़ा मंडी में, ये 31 मार्च को ये बड़ी शहीदी समागम करेंगे शहीद शुभकर्ण के उपलक्ष में, और सारी बात देश के सामने रखेंगे कि हमारा शहीद शुभकर्ण सिंह इसलिए शहीद किया गया क्योंकि हम अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, क्योंकि हम MSP लीगल गारंटी कानून मांग रहे थे, ये हमारा कसूर था। ये सारी बात देश के समक्ष लेके जाएंगे। एक तो हमारा ये कार्यक्रम है, और पूरे देश में बड़ी महापंचायतें और श्रद्धांजलि समागम इसी तरह से, उसकी डेट आगे जाकर आपके सामने पूरे देश की आ जाएगी, वो करेंगे। उसके बाद जो भाजपा गठजोड़ है, इसका हर गांव में, देश के हर गांव में, जब भी भाजपा गठजोड़ के लीडर्स या भाजपा के लीडर्स आएंगे, वहां पीसफुली जाएंगे और उनसे शहीद शुभकर्ण जी की तख्ती लेकर, मांगों की तख्ती लेकर उनसे मांग करेंगे कि ये शहीद शुभकर्ण सिंह का क्या कसूर था, क्यों उसे शहीद किया गया, और उसे अपनी मांगों को लेकर, और जो हमारे ऊपर बर्बरता से जो कार्रवाई हुई। सबसे पहले आप सभी पत्रकार भाइयों का हम दोनों फोरमों की ओर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लगातार हमारे आंदोलन को, आंदोलन की एक एक गतिविधि को पूरे देश ने, विदेशों के अंदर भी ले जाने का काम कर रहे हो, इसके लिए हम ऋणी हैं, धन्यवादी हैं आप सबके। देखिए, पिछले एक महीने से ये जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन जिस तरीके की सरकार की क्रूरता है कि जो भी आदमी आंदोलन की तरफ बढ़ता है उसके घर पे नोटिस चिपका दिया जाता है, उसको तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी लोगों ने एक महीना भर पूरी तरह शांति रखते हुए इस आंदोलन को चलाया और तरह तरह के सरकार का हमले झेले हैं, और वो सब झेलते हुए शांति से उनके हमलों का सामना किया, मुकाबला किया, और उसकी आज बहुत बड़ी आपके सामने ये मिसाल है कि आंदोलन किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रहा है कि मजबूरन हरियाणा की गवर्नमेंट को, पूरी की पूरी गवर्नमेंट को इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का प्रयास किया गया। उनका कोशिश है सरकार की कि वो
हरियाणा के अंदर एंटी कंबेंसी जो बनी है शायद उसको कवर कर पाए, उनका भुलेखा है। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि 400 किसानों के जिस्म से टपका एक एक खून का बूंद, खून का तपका, और हमारे किसानों की हो रही कुर्बानियां लोग भूलेंगे नहीं। एक एक कुर्बानी और एक एक खून के तपके का लेखा हिसाब देश के लोग लेंगे। और ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि सरकार ने पिछले दिनों जो WTO के अंदर बात गई, वहाँ पे भी जो सरकार WTO का नाम लेने से भी तड़पती थी और WTO के अंदर उनको ये कहना पड़ा कि पीस क्लॉज को हमेशा के लिए रेगुलर करो, वहाँ पे इनको कहना पड़ा कि जो 10% की खरीदारी की आप शर्त लगाते हो वो हटाओ, और देश के किसानों को ऑफ सीजन में जाकर गन्ने का रेट बढ़ाना पड़ा। आपने सबने देखा हरियाणा के अंदर लोगों को जेल, एक तरह की जेल बनाकर रखने के बावजूद भी प्रेशर सरकार के ऊपर इतना पड़ा कि हरियाणा के किसानों का जो कर्ज का ब्याज था वो माफ करना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा। और बहुत सारी बातें जैसे जूट और कपास के ऊपर सरकार ने ऐलान किया कि अगर कोई व्यापारी आपका MSP के ऊपर नहीं खरीदेगा तो हम सरकार खरीदेगी कपास और जूट को। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।